हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक लेके आए हैं रीजनिंग पे आधारित है। ये रीजनिंग जो होती है और ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी है। ये बच्चों का दिमाग जो है, इस जो सीक्वेंसिंग बनी, इस सीक्वेंस के बाद क्या आया, या ट्रायंगल जैसे हम आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ट्रायंगल बना है, यहाँ पर स्क्वायर बना है। इस ट्रायंगल के बाद स्क्वायर आया, देन ट्रायंगल आया, फिर स्क्वायर आया। तो इसके बाद इसके सीक्वेंस के स्क्वायर के बाद क्या आएगा, ये ट्रायंगल आएगा। तो बच्चा ये सोचेगा कि ये इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है। ये लॉजिकल थिंकिंग इससे बढ़ेगी, उसकी लॉजिकल थिंकिंग का यूज़ होगा। और इसमें देखिए हैप्पी और सैड ये सब बने हुए हैं, बलून्स और शेप्स वगैरह बने हुए हैं। तो इसमें इस गेम का रूल ये है कि जिस कलर से जो बना हुआ है उसी कलर से हमको बनाना है। और जिस कलर में से ट्रायंगल है, ट्रायंगल कितने हैं, 1 2, अगर इसके बाद बनेगा जो भी बनेगा, जितने ट्रायंगल वो यहाँ लिखना पड़ेगा, जितने स्क्वायर वो यहाँ लिखना पड़ेगा। तो इससे क्या हो गया, मैथ भी हो गया, बच्चे सीक्वेंसिंग भी सीख रहे हैं और कुछ अपोजिट भी सीख रहे हैं और शेप भी सीख रहे हैं। तो मतलब है कि एक ही चीज़ों में वो कितनी चीज़ें सीख रहे हैं, बहुत सी चीज़ें सीख रहे हैं, प्लस काउंटिंग भी सीख रहे हैं, एडिशन भी सीख रहे हैं कि 1 2 3, फिर हम कितने हैं और ये 4 कितने हैं। तो ये भी हो गया, आप इसको स्क्वायर और ट्रायंगल का प्लस करके भी कर सकते हैं, मतलब इसमें एडिशन भी करा सकते हैं आप। तो इसी एक ही एक्टिविटी में हमको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। चलिए आप लोग स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। वन बाई वन आपको हम बताते हैं। चलो स्टार्ट करो, आ जाओ। यहाँ पर ट्रायंगल है, यहाँ पर क्या है, ये स्क्वायर, ये क्या है ट्रायंगल, ये स्क्वायर। अब ट्रायंगल किस कलर से बना हुआ है, ग्रीन, और स्क्वायर रेड। अब इसके बाद क्या आएगा, स्क्वायर के बाद क्या आएगा, सोचो, ट्रायंगल। ट्रायंगल, हाँ, ट्रायंगल किस कलर बनाया है, ग्रीन। किस कलर से बनाएंगे हम, ग्रीन, जिस कलर से है बच्चा उसी कलर से बनाएगा। अब इसके बाद क्या आएगा, अब यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा सोचो, बोलो, इसी में बोलो क्या आएगा इसके बाद, क्या आएगा, ट्रायंगल। और ट्रायंगल किस कलर, जिस कलर से ट्रायंगल उसी कलर से बनाना है, दूसरे कलर से नहीं उसका। देखिए ये, देखिए ये गलत कर रहे हैं, रेड कलर से ट्रायंगल बना है कर रहे हैं, इसका मतलब सोच रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा। अब यहाँ पर कुछ देखिए पिक्चर बने हुए हैं, ये कौन सा सिंबल है, हैप्पी का, और ये कौन सा है, सैड का। तो ये अपोजिट हो गया, हैप्पी और सैड, फिर क्या हुआ, फिर क्या है, हैप्पी है। इसके बाद क्या आएगा, देखो ध्यान से, हैप्पी आया फिर सैड आया, फिर हैप्पी आया, फिर इसके बाद क्या बनेगा, सैड। तो सैड जिस कलर से उसी कलर से बनाना हमको। अब बच्चे जैसे बनाते हैं उनको वैसे ही बनाने दीजिए, आप उसमें आप ये मत कहिए अच्छा नहीं बनाया, बेकार नहीं बनाया, या बेकार बनाया है, ये सब नहीं कहना है। बच्चे जैसा बनाए वो अच्छा है। अब इसके बाद क्या आएगा, हैप्पी, इसके बाद फिर देन हैप्पी सैड, हैप्पी हैप्पी, ये हैप्पी है बना हुआ, हैप्पी के बाद क्या आएगा, सैड। हाँ बनाओ फिर, सैड जिस कलर से है उसी कलर से बनाना है हमको। अच्छा, अब ये कितने बलून हैं यहाँ पर, ग्रीन कलर के कितने बलून हैं, ग्रीन कलर के 1 बलून है, और इसके बाद 2 बलून किस कलर के हैं, रेड, रेड कलर के हैं। तो 1 ग्रीन के बाद रेड, अब क्या आएगा, इसके बाद रेड, एक बलून है ग्रीन कलर का, फिर 2 बलून रेड कलर का, इसके बाद किस कलर का बलून आएगा, सोचो, यहाँ पर देखो पिक्चर, यहाँ पिक्चर देख के बनाओ, देखो यहाँ, देखो यहाँ पिक्चर देख के बताओ, ग्रीन, हाँ तो ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का है, हाँ ग्रीन कलर से कितने बलून बनाएंगे, एक, हाँ ठीक। अब आगे बताओ, यहाँ पर कितने बलून हैं, कितने, किस कलर के हैं, रेड। अब इसके बाद क्या आएगा, किस कलर का बलून आएगा इसके बाद, सोचो, सोचो,
दो बलून यहाँ रेड कलर के हैं, दो बलून रेड कलर के बाद कौन सा बलून आएगा, किस कलर का बलून यहाँ पर आएगा, देख के देखो, पिक्चर देख के देखो, रेड रेड आएगा तो थ्री नहीं हो जाएगा, कितने कौन से कलर के आएगा देखे बच्चा, ये सोच रहा है कि किस कलर के बाद क्या कलर आएगा और उसने बोला रेड, तो गड़बड़ कराना, तो यही देखना है इसमें, यही यही एक्टिविटी है कि बच्चों को सिक्वेंसिंग आना चाहिए और बच्चे ऐसे ही गड़बड़ करेंगे, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वाला है, तीन चार बच्चे होंगे तो और अच्छा लगेगा उनको आपस में। चलो स्टार्ट करो, टू रेड रेड बलून है, अब इसके बाद क्या है ग्रीन बलून, टू रेड बलून, अब इसके बाद किस कलर का बलून आएगा बताओ, ध्यान से देखो इस पे पिक्चर पर, चारों पे, हाँ ध्यान देखो, टू बलून के बाद वन ग्रीन कलर, अब टू बलून रेड कलर का, इसके बाद किस कलर का बलून आएगा, ध्यान से देखो, ये के बाद ये ग्रीन, हाँ तो ग्रीन कैसे करो, अब इसके बाद कितने सर्कल्स हैं, टू, और कितने ट्रायंगल हैं, वन, अच्छा अब टू सर्कल वन ट्रायंगल के बाद कितने सर्कल यहाँ आएंगे यहाँ पर, टू, टू सर्कल किस कलर के होंगे, रेड, बनाओ रेड कलर, अच्छा ये हो गया, अब आप इसमें ये भी कर सकते हैं, इसमें ये हो गया, अब कितने ये जो ग्रीन कलर के ट्रायंगल हैं वो कितने हैं वो आपको यहाँ लिखना है, और यहाँ पर स्क्वायर में कितने स्क्वायर हैं वो काउंट करके लिखो, चलो रेड ग्रीन कलर के स्क्वायर कितने हैं, ग्रीन कलर से लिखो काउंट करके, ग्रीन कलर के ट्रायंगल कितने हैं, वन टू थ्री फोर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, फोर फोर, और रेड कलर का स्क्वायर कितना है, काउंट करो, वन टू थ्री, हाँ ठीक, अब जो फेस है ये जो ग्रीन कलर का जो हैप्पी वाला फेस है वो कितना है वो यहाँ लिखना, और जो सैड वाला जो फेस है कितने हैं वो यहाँ लिखना, चलो जिस जिस कलर से उसी कलर लिखेंगे, हैप्पी वाले कितने हैं देखो काउंट करो, कितने हैं काउंट करो, फिंगर रख के फिंगर रख के काउंट करो, हैप्पी वाले कितने हैं, वन वन टू थ्री, हाँ तो यहाँ क्या लिखेंगे, फोर, कहाँ है हैप्पी वाले, सैड वाले नहीं बोले, हैप्पी वाले कितने हैं, टू थ्री, हाँ तो यहाँ क्या लिखेंगे, थ्री, थ्री हैप्पी के हैं, और सैड के कितने हैं, सैड के वन टू थ्री, हाँ तो यहाँ साइड वाले पे थ्री लिखेंगे, ठीक है, अब ग्रीन कलर के बलून कितने हैं वो यहाँ पर ऊपर लिखेंगे, ग्रीन कलर की ग्रीन वाले पेन से, ग्रीन कलर के बलून कितने यहाँ पर वो भी लिखना है, वन टू लिखो, टू लून, अब रेड कलर के बलून कितने हैं, रेड कलर के वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे नीचे लिखना, अब टू टू सर्कल कितने यहाँ पर काउंट करो, वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ नीचे नीचे सिक्स रेड कलर से, और ट्रायंगल कितने हैं, वन टू, हाँ टू यहाँ पर, ठीक, अब देखा आपने एक एक्टिविटी में हमारा कितनी चीज़ हो गया, काउंटिंग हो गई, स्क्वायर भी हो गया, शेप भी हो गया, और ये सीक्वेंसिंग भी हो गई, अब हम इसको प्लस भी कर सकते हैं, यहाँ प्लस माइनस भी कर सकते हैं, प्लस कैसे कर सकते हैं कि ये रेड ट्रायंगल, ग्रीन ट्रायंगल और स्क्वायर ट्रायंगल कितने हुए टोटल मिला के कितने हुए, तो फोर प्लस थ्री कितने हो गए काउंट करो, फोर प्लस थ्री कितने हो गए, फोर को कहाँ रखेंगे, और थ्री को कहाँ रखेंगे, हाँ तो करो, फाइव सिक्स सेवन, तो यहाँ क्या लिखेंगे आंसर है, सेवन, ये देखिए फोर प्लस यहाँ थ्री कर दिया इक्वल टू सेवन हो गया, ऐसे थ्री प्लस थ्री कितना होगा, थ्री को कहाँ रखेंगे, और थ्री को फिंगर से लगाओ, फिंगर यहाँ पर बैठो जा, फोर फाइव सिक्स, तो यहाँ क्या होगा, सिक्स सिक्स,
इधर बैठ, इधर बैठ करो, हाँ सिक्स हो गया, ठीक है। अब थ्री प्लस सिक्स को बिगर नंबर कौन सा है इसमें से, इसमें से बिगर नंबर कौन सा है? थ्री। थ्री इज बिगर नंबर कि सिक्स इज बिगर, विच सिक्स इज बिगर नंबर? सिक्स कहाँ रखेंगे? चलो रखो, और थ्री को कहाँ रखेंगे? हाँ, अब क्या होगा? सेवन एंड नाइन, क्या होगा? इक्वल टू नाइन, इज इक्वल टू नाइन, ये नाइन हो गया। अब सिक्स प्लस टू, चलो यहाँ करके दिखाओ, सिक्स प्लस टू एट। तो देखा कितना इजी है, ऐसे ही आपको बच्चों को कराना है, तो आपको ऐसे ही अपने बच्चों को कराना है। ये देखिए इसमें एडिशन भी हो गया, सब कुछ हो गया इसमें, आप इसमें माइनस भी कर सकते, सब्ट्रैक्शन भी करा सकते हैं इसमें। तो एक ही एक्टिविटी में देखिए बहुत सी चीज़ें हो गई हैं, हमको भी ऐसे ही लेना है ताकि जिससे जो है एक ही एक्टिविटी से बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसी में क्लियर हो जाए और बच्चे बोर भी ना हो, बच्चे बहुत इंटरेस्ट लें इसको करने में, और ये कलरफुल ही कराएं बिल्कुल। अगर पेंसिल से कराते हैं तब भी इसमें कलर बच्चे फील करें, तभी बच्चे इंजॉय करेंगे, और बिल्कुल कॉपी भी सुंदर लगती है कलर करने में ना, तो इसलिए कलर बहुत ज़रूरी है। और एक्टिविटी इससे बच्चों का ब्रेन चलता रहता है कि सिक्वेंसी में कैसे होगा या थ्री प्लस थ्री कैसे होगा, जो प्रॉब्लम यहाँ उनको दी गई उनको बच्चे ये सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलपमेंट उनका हो रहा है कि हम जो है जो हमको प्रॉब्लम दी गई उनको हम सॉल्व कर रहे हैं, और बच्चे बहुत ही इंजॉय करते हैं। तो आप भी ऐसी एक्टिविटी कराएगा और नेक्स्ट टाइम कुछ नई एक्टिविटी के साथ आपके सामने आपके लिए लेकर आएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल होगी आपके बच्चों के लिए, आप बच्चों को ऐसे ही कराइएगा और नेक्स्ट किसी और भी एक्टिविटी के साथ आएंगे नए वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर